क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं और रिश्ता खराब कर देते हैं? If you want a smooth relationship, then watch this video. Okay, let me tell you a story. हरि सिंह के मौत के बाद उनके फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी. They were encountered with a financial crisis. So, एक दिन हरि सिंह की पत्नी ने उनका जो सोने का हार था वो अपने बेटे को देकर कहा, बेटा जाओ इस हार को अपने अंकल के ज्वेलरी शॉप में जाके बेच आओ. सो अकॉर्डिंगली उनका बेटा गया और वो हार अंकल को दे दिया. अंकल ने अच्छी तरह से वो हार परख कर कहा कि बेटा देखो अभी जो सोने का भाव है वो बहुत ही कम है, अगर तुम इसे अभी बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा. सो बेहतर है कि तुम ये हार वापस ले जाओ और कुछ दिन बाद इसे बेचना और साथ में ये पैसे भी लेके जाओ और कल से तुम एक काम करना मेरी दुकान में आ जाना. सो अगले दिन से उनका बेटा अंकल की दुकान आने लगा और धीरे धीरे उसने गहने परखने की जो कला है वो सीखने लगा. एंड बाय द टाइम ही हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपर्ट इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी. सो वो इतना फेमस बन गया कि उसके पास बहुत सारी जगह के लोग आने लगे. तो एक दिन के चाचा जी ने उसे कहा कि बेटा अभी परफेक्ट टाइम है, तुम अपनी माँ का जो हार था वो अभी लेके आओ. देन ही वेंट एंड अपनी माँ से कहा कि वो हार उसे दे दे. फिर अकॉर्डिंगली उसकी माँ ने उसे वो हार दे दिया और फिर सिंस ही बाय द टाइम ही हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपर्ट इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ ज्वेलरी. तो उसने उस हार को जब परखा तो उसने पाया कि वो हार तो नकली है, इट वॉज अ फेक वन, इट वॉज नॉट प्योर. फिर वो हार को वहीं छोड़ के दुकान आ गया. तो दुकान आके उसने अंकल से पूछा, चाचा जी ये क्या बात है, ये क्या बात है, हार तो नकली निकला, ये तो असली नहीं है. तब उसके चाचा जी ने उसे कहा कि देखो बेटा अगर उस वक्त मैं ये सच्चाई बता देता जो कि मुझे पता था कि वो हार नकली है, अगर उस वक्त जो तुम लोगों के हालात बहुत ही बिगड़े हुए थे, अगर उस वक्त मैं ये सच बता देता तो तुम लोग क्या सोचते कि हमारे जब बुरे वक्त चल रहे हैं तो हमारे अंकल ने भी हमारा साथ नहीं दिया और तुम लोग नाराज हो जाते, मुझसे रिश्ता तोड़ देते. तो इसीलिए मैंने वो रिश्ता बचाने के लिए तुम्हारे अंदर वो कला, वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, जो खुद वो कला सीखने के लिए मैंने तुम्हें अपने दुकान बुलाया ताकि तुम खुद उस हार को परख पाओ, जान पाओ, ताकि कोई एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच का जो रिश्ता है वो खराब ना हो जाए. सो दिस इज हैपनिंग विद आवर सेल्फ, यू नो, इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन. कोई भी अगर हमारे साथ खराब हो रहा होता है तो हमारा माइंड नेगेटिवली रिएक्ट करता है, हम कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं. अगर हमें ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है या फिर किसी वजह से हम परेशान हैं तो उस टाइम पर अगर कोई सच भी बोलता है, कोई अच्छा भी बोलता है तो हमें वो भी बुरा लगता है, हमें गुस्सा आ जाता है और खामखा हम उस इंसान से भी बेवजह रिश्ता तोड़ देते हैं. सो टुडे ऑनवर्ड्स, बिफोर ब्रेकिंग एनी रिलेशनशिप और बिफोर ब्लेमिंग एनी पर्सन, जस्ट थिंक 10 टाइम्स. Develop that understanding and knowledge within yourself. Don't break any relationship. Don't blame any person without proper knowledge. अपने अंदर वो knowledge develop करना चाहिए. हमें समझदारी बढ़ाना चाहिए. बेवजह किसी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ देना चाहिए. बेवजह किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए. अगर हमारे हालात बुरे हैं तो इनमें किसी और की क्या गलती है, हालात तो फिर भी सुधर जाएंगे लेकिन जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं उन्हें सुधरने में बहुत वक्त लगता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटी से
किसी गलत फैमिली की वजह से हम हमारे जीवन से बहुत ही अहम इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान को खो देते हैं. सो लीव अ मीनिंगफुल लाइफ विथ फुल ऑफ विजडम. कोई भी रिश्ता बेवजह ना तोड़िए. सो दिस इज वर्जिन एंड अ शाइनिंग ऑल द प्रॉमिस.